नेक्स्ट 9 न्यूज़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। बिहार के पूर्व सांसद आनंद मोहन जेल से रिहा हो गए हैं, जिसके बाद बिहार में सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है। तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं कि आनंद मोहन की रिहाई के बाद नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा किया जाएगा। जी हाँ, नीतीश कुमार पर अब भी सवालिया निशान खड़े किए जा रहे हैं और इस पूरे मसले में जो बिहार में सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है, भारतीय जनता पार्टी पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार बिहार के मंत्री जो हैं वो आखिरकार आनंद मोहन की रिहाई का समर्थन क्यों कर रहे हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी पर भी ये आरोप लगा रहे हैं। गिरिराज सिंह ने एक बड़ा बयान दिया, उन्होंने कहा कि आनंद मोहन जो है वो दोषी नहीं है, उनको फंसाया गया है, ये बात उन्होंने कही। ऐसे में जो जिस पूर्व सांसद ने डीएम की हत्या की उस पर जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं उसकी पैरवी करते हुए इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता नजर आ रहे हैं। बिहार में सियासत लगातार गरमाती हुई नजर आ रही है। ऐसे में आइए आपको बताते हैं कि आनंद मोहन के परिवार और उसकी जो उसका कार्यकाल रहा है और उसने क्या कुछ अपने समय में किया है, इसके अलावा उसकी बेटी से जुड़ा हुआ सच आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में। आनंद मोहन की गिनती बिहार के सबसे दबंग नेताओं में की जाती है। 15 फरवरी 2023 को उनकी वकील बेटी सुरभि आनंद सिंह ने IRTS ऑफिसर राज हंस सिंह से शादी की है। सुरभि आनंद और राजहंस सिंह की शादी की चर्चा हर तरफ हुई। सभी जानना चाहते थे कि बाहुबली का ये ए ग्रेड दामाद कौन है। बिहार के मुंगेर के रहने वाले राजहंस सिंह IRTS ऑफिसर हैं। वो किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं। आनंद मोहन और राजहंस सिंह के परिवार एक दूसरे को सालों से जानते हैं। सुरभि आनंद के भाई चेतन आनंद और राजहंस सिंह बचपन के दोस्त हैं। राजहंस के परिवार के पास करीब 100 बीघा जमीन है। बिहार के बाहुबली के दामाद राजहंस सिंह पढ़ाई लिखाई में काफी होशियार रहे हैं। मुंगेर के सरस्वती शिशु मंदिर से प्राइमरी एजुकेशन हासिल करने के बाद राजहंस ने आगे की पढ़ाई पटना से की थी। फिर उन्होंने हैदराबाद के NIT दुर्गापुर से बीटेक की डिग्री हासिल की थी। राजहंस ने तीसरे प्रयास में UPSC परीक्षा पास की थी। राजहंस सिंह ने टाटा ग्रुप में नौकरी करते हुए साल 2019 में UPSC परीक्षा पास की थी। वो अपने पहले दो प्रयासों में असफल हो गए थे। फिर तीसरे प्रयास में 660वीं रैंक हासिल कर उन्हें IRTS यानी रेलवे सर्विस में सरकारी नौकरी मिली थी। राजहंस ने दिल्ली में रहते हुए बिना किसी कोचिंग के UPSC एग्जाम क्लियर किया था। सुरभि आनंद और राजहंस सिंह पारिवारिक रिश्तों के कारण बचपन से ही एक दूसरे को जानते थे। उनकी शादी बीते कई दिनों से चर्चा का केंद्र बनी हुई है। इस भव्य शादी के लिए आनंद मोहन सिंह पैरोल पर जेल से बाहर आए हुए हैं। सुरभि आनंद और राजहंस सिंह सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं। दोनों ने अपनी सगाई और हल्दी की तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर की थी। तो देखा आपने, आनंद मोहन की बेटी से जुड़ा हमने आपको सच बताया कि किस तरीके से आनंद मोहन का जो कार्यकाल रहा है और किस तरीके से इस पूरे मामले पर सियासत जो है वो गरमाती हुई नजर आ रही है। फिलहाल देखना होगा कि आनंद मोहन की रिहाई के बाद आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के नेता और नीतीश कुमार इस मसले से जो कटघरे में खड़े हो रहे हैं, इस पूरे मसले से बचकर कैसे निकल पाते हैं। फिलहाल हमारी इस कास्ट रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9। We'll be right back.